ज्योतिषपा युग परिवर्तन युग परिवर्तन ज्योतिषपा तेरा हर एक दर्द मिटेगा अमृत बनेगा अब विश्वा। अगर इतिहासकारों को पढ़ोगे तो सिर्फ एक टीचर बन के रह जाओगे और अगर इतिहासकारों को झुठलाओगे तो साइंटिस्ट बन के जाओगे साइंटिस्ट। तो आज मैं करोड़ों अरबों की चीज आप सबको देने लगा हूं और जिस जिसने भी ये रख ली ना वो आज रात से ज्योतिषी बन जाएगा, क्योंकि आज रात को अपने घर की सारी कुंडलियां चेक करके सोएंगे, ये मेरा वादा है। बहुत सारे मैंने लेक्चर यहाँ पर सुने और सुनने का मौका मिला। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और साइंस इसलिए बनेगी, जैसे डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा, मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, कि हम जो पुरानी किताबों को तक सीमित ना रहें, उसके ऊपर रिसर्च करते रहें, उसको आगे लेकर जाएं। जय माता की। हमारे बीच में चोपड़ा जी की चौथी पीढ़ी बैठी है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि बचपन से ना अगर किसी अखबार को देखते थे और कोई नाम अगर हमारे कान में आता था, पंजाब की पैदाइश है मेरी, तो वो सबसे पहले पंजाब केसरी ही आता था। तो इनके लिए ताड़ी, क्योंकि इतना अच्छा काम हमारे इस पूरे पंजाब के लिए, छोड़ो अब तो पूरे देश के अंदर ये कर रहे हैं, और परमात्मा इनको खूब बढ़ाए फुलाए और इनकी अखबार को खूब चलाए और सदा सुखी रखे। ठीक है, मैंने कुछ वादा किया हुआ था आप सबसे, है ना। पिछले दिनों में ना एक मैंने टिकटॉक देखा, कभी कभी मेरे को भी टाइम मिल जाता है, तो उसमें दिखाया गया था, बताया गया, कहते एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और वहां से निकल रहा था आदमी, तो वहां पर ना लिखा हुआ था 100 रुपए में ना प्रधानमंत्री बनना सीखो, याद रख, कईयों ने देखा होगा। तो आदमी बड़ा जिज्ञासु हुआ और जाकर के 100 रुपया देके कहता, मैं भी लाइन में लग गया, अंदर जाके देखा तो चाय बनाना सिखा रहे थे, है ना। तो बेटा इसी तरह से हमारे बहुत सारे ज्योतिषी ज्योतिषी बनना चाहते हैं, जिस तरह से 100 रुपए पे प्रधानमंत्री बनता ना वैसे ज्योतिषी भी बनना चाहते थे। लेकिन पुत्र एक बार याद रख लेना, एक मेडिकल स्टूडेंट बनना बहुत आसान है, किसी भी चीज के ऊपर पीएचडी कर जाना बेहद आसान है। एक आईएएस और आईपीएस बनना बेहद आसान है, ज्योतिषी बनना महामुश्किल है, महामुश्किल। और जो अपनी पूरी आत्मा से इस चीज को ना दे पाए ना, और रोज अपने आप में कोई नई चीजें खोजने की जिसके अंदर आदत ना हो, वो जिंदगी में कभी ज्योतिषी नहीं बन सकता, पैसे रोज कमा लेगा, ये बात सत्य है। और यही कारण है कि सदियों से ही कह लो, अच्छे अच्छे रिसर्चर भी आए, सब कुछ आए, और मरते दम ना किताब बंद करके ये लिख गए, ये ज्योतिष संभावनाओं का खेल है। और उन्हीं के कारण आज की डेट में बहुत सारे हमारे विद्वान बेहद काबिल हो चुके, सब कुछ खोज चुके, लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में यकीन दिलवाने में असमर्थ रहे हैं लोग। लेकिन आप सबसे वादा करता हूं, सिर्फ 10 महीने और, सिर्फ 10 महीने और पूरी दुनिया की कुंडली ऐसे खोल के रख दूंगा कि सारे के सारे ना ज्योतिष के पीछे भागता हुआ पूरा संसार ना नजर आए, तो जाओ जीडी वशिष्ठ का नाम बदल देना। ये काम सिर्फ 10 महीने दूर है, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरी सॉफ्टवेयर टीमें लगी हुई हैं, मेरी अपनी टीमें जिनमें से कुछ बच्चे यहां आए हुए हैं वो भी लगे हुए हैं, दिन रात काम चल रहा है 24 घंटे, क्योंकि जब से समझ आया मेरी अपनी नींदें उड़ी हुई है, और कोशिश कर रहा हूं अब मैं ज्यादा से ज्यादा बांट भी दूं। ठीक है, सच बात है कि जब ये लाल किताब लिखी गई, आज से 500-600 साल पहले लिखी गई है, ये बात सत्य है, और वो जरूर वैदिक ज्योतिष के महाविद्वान रहे होंगे जिन्होंने लाल किताब लिखी,
सब गए, ये बात सत्य है बेटा। लेकिन वो कहीं ना मेरे जैसे नलायक रहे होंगे कि जो ना शॉर्टकट ढूंढता है, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढता है, और जब तक शॉर्टकट मिल ना जाए बार बार कोशिश करता है, बार बार टकरे मारता है। और पता नहीं इसी कारण से आप सब लोग कहते हो कि लाल किताब की कृपा जीडी वशिष्ठ पे कुछ ज्यादा ही है, ये बात सत्य भी है। हम लोग सीधे पहुंचते हैं फलों के ऊपर, पांचवें घर का शुक्र, लगन का बृहस्पति, बुध चौथे घर का, बुध छठे घर का, आठवें घर का चंद्रमा, हम सब लोग इसमें फंस के ना गर्क होते जा रहे हैं। ये पढ़ना रियलिटी में महापाप था जब तक कि पूरी लाल किताब आ ना जाए, और ये पाप लगभग हर ज्योतिषी ने किया है। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट बेटा स्कूल में जाता है ना, उसको सबसे पहले ए बी सी डी सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 ये सिखाया जाता है। मैं यहां से जर्मनी गया तो वहां पर भी मुझे आ बैस है सब सिखा दिया, आइंसवाई ड्राइव फियर फोन सब सिखा दिया ताकि मैं उनकी भाषा सीख सकूं। तो हम जब ज्योतिषी बनने चलते हैं तो ये आगा दौड़ पीछा चौड़ क्यों करना है हमने, हम पर्टिकुलर ए बी सी से क्यों नहीं चलते? बस जहां 9 ग्रह 12 राशि 12 घर आए, 27 नक्षत्र याद रहने शुरू करे, हमने दौड़ लगानी शुरू कर देनी है कि अब हम ज्योतिषी बन गए। लेकिन जो भी इंसान सूत्र नहीं पकड़ता, लॉ जिसे बोलते हैं, वो इंसान कभी ज्योतिषी नहीं बन सकता। और कम से कम ये तो जानना बेहद जरूरी है ना कि कुंडली के अंदर आप प्रेडिक्शन करने लगे हो किस बेस पे करोगे। वृषभ राशि का चंद्रमा धन भाव में बैठा हो तो सबको ही सुख मिलेगा क्या? कर्क वृष राशि का चौथे घर का चंद्रमा बैठा हो, चलो गज केसरी योग बना के बृहस्पति के साथ बैठा हो, क्या आदमी के पास धन धान्य होगा? मैं तो आपको किराए के ऊपर धक्के खाते हुए लोगों को दिखा दूंगा कि गज केसरी योग है, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों चौथे घर के अंदर, राशि भी उनके मन मुताबिक, चलो कर्क लगा लो, लेकिन आदमी किराए पे धक्के खा रहा है और बृहस्पति की महादशा भी चल रही है। मैं जितने को हो उतने एग्जाम्पल पेश कर देता हूं, बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको जहां तक जाना चाहिए, अगर वहां तक जाने का रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, तो तब तक बेटा ज्योतिष करना बेकार है। ओके, आज मेरी ये 30 सालों की मेहनत मैं तुम लोगों से बांटने लगा हूं, और मेरा वक्त कितना कीमती है आप सब तो जानते ही, अखबार और मीडिया वाले कुछ ज्यादा जानते हैं। तो आज मैं करोड़ों अरबों की चीज आप सबको देने लगा हूं, और जिस जिसने भी ये रख ली ना, वो आज रात से ज्योतिषी बन जाएगा, क्योंकि आज रात को अपने घर की सारी कुंडलियां चेक करके सोएंगे, ये मेरा वादा है ना? वैसे ऐसे ही करोगे ना? तो शुरू करता हूं बेटा। इंसान जब पैदा होता है तो राज जोशी जी सबसे पहले जन्म कुंडली उठा करके कहां से देखना शुरू करते हैं, आप सबको पता है? अगर इंसान की बुद्धि काम की नहीं ना, वो अरबोपति बाप के घर पैदा हुआ हो तो बाप की अकल सोच सोच के मर जाती है, मैं इस गधे को लगाऊं कहां। वो कितना समृद्ध हो इंसान, अपनी औलाद के लिए रास्ता नहीं खोज पाता। अगर कहीं होने वाली औलाद का बुध खराब हो, कोई मुझे बताएगा कि बुध कैसे खराब होता है? यही सबसे बड़ा सूत्र है, यही सबसे बड़ा सूत्र है। जब भी जन्म कुंडली उठा करके देखनी शुरू करो, पहले आपको बुध को देखना है, किसी और ग्रह को नहीं देखना, क्योंकि आदमी के पास अकल होगी तो सूर्य बृहस्पति मंगल काम आएंगे। अगर इसके पास अकल ही अच्छी ना हुई तो ये सूर्य मंगल बृहस्पति कर क्या लेंगे, ये शनि कर क्या लेगा? वो बात अलग है,
कि एक अपंग और बेकार और पागल इंसान को अभी अगर राज युग में जन्म हो जाए तो वो अमीर घर के अंदर बैठा है, नहीं तो कोई और ही संपत्ति दे देगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बुद्धि तो होनी जरूरी है ना अपना जीवन चलाने के लिए, तो उसके लिए क्या देखा जाता है? सबसे पहले बुद्ध को अच्छा देखने के लिए आपको शुरुआत जो करनी है कि अगर शुक्र बुद्ध से आगे के घरों में है और बुध स्वयं पीछे के घरों में है तो बुध अच्छा होगा। कितना आसान है बुध को जांचना कि बुध अच्छा होगा कि बुरा होगा। अब ऐसी अवस्था में बुध खराब होकर के बैठा दो मीन राशि में, इतना बुरा असर फिर भी नहीं देगा। राशि के अनुसार कुछ बुरा असर जरूर रहेगा लेकिन ज्यादातर अच्छा ही रहेगा। और अगर कहीं बुध बहुत बुरा होकर के, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सातवें घर के अंदर ही बुध के दुश्मन ग्रहों को बैठा दो, यानी कि बृहस्पति को बैठा दो, और ऐसी अवस्था में राजयोग कारक जगह के ऊपर चौथे घर के अंदर बुध को बैठा दो, लेकिन अब क्या होगा? अगर तो शुक्र आगे तो वह राजयोग कारक पक्का फल देगा, और अगर पीछे ना इंसान से भीख मंगवा के रख देगा, क्योंकि बृहस्पति भी यहां पर सिर्फ अपनों की जिम्मेवारी उठाने को तैयार है, धर्मगुरु बनने को तैयार है, लेकिन बुध को बिजनेस की अकल देने को तैयार नहीं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है। बेशक अगर कोई, ये जो मैं आज सूत्र देने जा रहा हूं इसके अंदर ग्रह की अगर जड़ भी खराब है ना, जड़ तो सब समझते हो ना, हर घर, ठीक है, अगर जड़ भी खराब है लेकिन इस सूत्र के अनुसार आपने अच्छे और बुरे को तय कर लिया तो जिंदगी के अंदर इतने बड़े दुख कभी नहीं होंगे। तो शुक्र आगे बुध पीछे, बुध अच्छा, पहली बात। अब दूसरा, बुद्धि तो टेस्ट कर ली और यहीं से पता चल गया कि आदमी जिंदगी में कुछ खास करने के लिए पैदा हुआ है या नहीं, तो अगर खराब है तो अपनी लगभग 50% उम्मीद वहीं पे तोड़ दो। अब बची 50%, अब 50% आगे जो तय करेंगे वो करेंगे चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, फिर बाद में बाकियों की शुरू होगी। वहां आके अब दूसरा ग्रह कौन सा आपने देखना है? दूसरा ग्रह देखो बेटा बृहस्पति। बृहस्पति का अच्छा और बुरा होना सबसे पहले तय किया जाएगा कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, सूर्य केतु ना हो, और अगर ये है तो बृहस्पति सिंपल तौर पे खराब, और अगर ये नहीं है तो अब आगे लाल किताब का लॉ कि दूसरे पांचवें नौवें ग्यारहवें बारहवें घर के अंदर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना बैठे हों, यानी कि शुक्र बुध राहु ये ना बैठे, समझ गए? बस इस सूत्र को अपनाओ तो बृहस्पति का अच्छा और बुरा तय कर लो। और अगर बृहस्पति खराब है तो बेटा गज केसरी योग बनवा के कहीं भी बैठा दो, आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ही लेगा, और बाप से लड़के दो पैसे की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लेकर के उसको उजाड़ के फिर वापस घर की तरफ देख रहा होगा, ये उसका गज केसरी योग बनेगा, ठीक है? अब बृहस्पति देख लिया आपने, इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद वैसे तो हम सारे ज्योतिषी जितना करते हैं सबसे पहले सूर्य को देखना शुरू करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन बेटा सूर्य की तो बात बाद में आती है, पहले खून को चेक कर लो कि खून कैसा है, यानी कि मंगल कैसा है। मंगल को चेक करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बेटा, मंगल साथ में मंगल राहु या मंगल केतु के साथ में ना हो, लगन के अंदर राहु का साथ ना हो और तीसरे और अष्टम भाव के अंदर केतु का साथ ना हो, तो बाकी कैसी भी सिचुएशन हो मंगल तुम्हारा साथ दे देगा, मंगल तुम्हारा साथ दे देगा, यानी कि उस आदमी के गुणों को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है? यह चीज तो यहां से आपने अपना खून भी चेक किया, कर्मठता भी चेक करी।
फिर आ गया सूर्य। सूर्य हमें बुध की तरह ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सूर्य खराबी हो जाए तो आदमी का हौसला कमजोर है, वो अंदर से टूटा हुआ है, वो समय के ऊपर भाग खड़ा होगा और सामने आ रही मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएगा। ये वो खराब सिचुएशन होती है जिनका सूर्य डूब जाए। और सूर्य को चेक करने के लिए आप कहां से शुरू करोगे? सूर्य के लिए सबसे बड़ी बात, सूर्य के लिए खराब घर बताए गए हैं, लेकिन जैसे दसवां घर, दसवें घर के अंदर अगर सूर्य हो तो बेटा उसे कमजोर माना जाता है, लेकिन उसकी राशियों के हिसाब से चलाया जाता है। अगर वो मेष या सिंह राशि के अंदर है तो उसे आप खराब सूर्य नहीं बोल सकते। फिर ऐसी अवस्था के अंदर आपको यह कहना पड़ेगा 80% ठीक है, 20% खराब है। लेकिन वहीं पर तुला मकर में हो तो बेटा आपको उसे 100% बोलना पड़ जाएगा। यह बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर कहीं शुक्र पहले घर में हो या शुक्र पांचवें घर में हो, अब सूर्य को चाहे सिंह राशि का चाहे मेष राशि का भाग्य स्थान के अंदर बैठा दो उसे, या जो भी तुम बेस्ट घर समझते हो उसके अंदर बैठा दो, उसके घर में बीमारी, कलेश, नाकामयाबी रहेगी रहेगी। उसके घर में बार बार तकलीफ आएगी, और जिसके अंदर इंसान का अपना हौसला भी टूटेगा और इंसान उन समस्याओं से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कारण यह कि युक्ति ही नहीं आएगी, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन अंदर बनाता है। और आपने एक बात बहुत ही विद्वानों से सुनी होगी और बार बार सुनी होगी कि गुस्सा बुद्धि को पी जाता है, गुस्सा बुद्धि को पी जाता है। और जो भी चिड़चिड़ा इंसान होता है जिसमें सहन शक्ति नहीं होती, जो बहुत जल्दी अपना धैर्य खोता है, बेटा वो प्लानिंग कैसे बनाएगा? क्योंकि अभी तो वो माहौल से ही इतना त्रस्त है कि उसी के अंदर डूबा हुआ है, उसी के बारे में सोचा हुआ, उससे निकलने के बारे में कैसे सोचेगा? और जिसका सूर्य अच्छा होता है, सामने चल रहे माहौल के बारे में सोच के चिड़ता नहीं, उसमें से निकलने का रास्ता तलाश हो कर रहा होता है जब उसके खिलाफ वो समय चल रहा होता है, ठीक है। यह चीज होती है। तो इस तरह से सूर्य को जांचो। अब यहां पर एक आध सूत्र और है जो एंड में आएगा, यह ध्यान रखना। अब बृहस्पति तक भी हो गए, अब आगे शुक्र, और शुक्र से तो सबको उम्मीद है, चाहे आदमी हो या औरत हो। आदमी का शुक्र औरत, औरत का शुक्र आदमी। और यही वो ग्रह है जो इंसान को पूरी की पूरी आध्यात्मिकता देता है, और यही वो ग्रह है जो इंसान को पूरा ऐश्वर्य देता है। तो जब शुक्र की बात आ जाती है बेटा, तो इंसान को इंसान के दोनों ही रूपों को देखना पड़ता है, खासतौर पे जब शुक्र की महादशा चल रही हो। ओके, अब इसको कैसे देखा जाता है? शुक्र अगर कहीं बुध के पीछे रह गया तो वो बेलगाम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लगाम रखने वाला कोई नहीं रह गया। घोड़ा जो होता है ना बेटा, अगर उसकी नाक में नकेल नहीं तो वो किसी काम का नहीं, ना सवारी ना कुछ और, उल्टा पलट पलट के गिराएगा और कई कुछ खराब कर देगा। इसलिए नकेल बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज इस योग को ये घोड़े वाला रूप शुक्र को दिया। वैसे तो चंद्रमा मानते हैं हम सारे, आप सब लोग जानते हैं। तो इसको नकेल अगर डाल दी बुध ने पीछे बैठ के तो ये बेहद काम का, वरना ये शुक्र बेकार, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर करना क्या है बेटा? शुक्र अच्छे फल तो जरूर देगा, लेकिन पता नहीं कब बेलगाम हो जाए। और बेलगाम होने का मतलब क्या है? यानी कि आपको पता है कि संस्कार क्या है, आपको पता है कि दुनियादारी समाज क्या है, आपको पता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा सही है। ये सब कुछ पता होने के बावजूद बाकी कुंडली के बन रहे योगों के कारण अगर आप तरक्की पाने वाले बन गए, और वो तरक्की पाते हुए कभी आपसे गलत काम अगर हो सकते हैं तो वो तभी हो सकते हैं जब शुक्र खराब हो, वरना कभी नहीं होंगे।
और इसका सूत्र यह है कि अगर दसवें या सातवें घर के अंदर शुक्र का एक भी दुश्मन बैठा हुआ है, चाहे युति में चाहे अकेला, तो शुक्र खराब होगा, तो शुक्र खराब होगा। और अगर दसवें या सातवें घर के अंदर शुक्र का दुश्मन ग्रह कोई नहीं बैठा हुआ तो शुक्र अच्छा होगा। लेकिन वहां पर फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर कहीं शुक्र से आगे बुध निकल गया है तो उस इंसान से 100% गलती हो सकती है, जोश के अंदर, जोश में होश खो देगा। और अगर कहीं बुध पीछे रह गया तो ऐसा इंसान कैसा भी मौसम, कैसी भी तकलीफें, कैसे भी सिचुएशन, आदमी गलती से भी गलती नहीं करेगा। और ऐसे में अगर कहीं आदमी की कुंडली के अंदर ये योग आ गया ना कि ये आदमी खून कर देगा, तो बेटा वो नहीं करेगा, क्योंकि वो होश नहीं खोने वाला। तो ऐसे में योग फेल हो जाएगा, क्योंकि हर काम, शादी हो, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, जिंदगी के अंदर चाहे मेरी तरह खड़े होकर बोलना ही हो, और चाहे बिजनेस के अंदर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा को जीतना हो या कुछ भी करना हो, उसका शुक्र का अच्छा होना बेहद जरूरी है। पैसा यही लेकर के आता है, ठीक है, तो इसलिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी था। अब आ गया शनि। शनि जो हमारे सुखों का देवता, जो हमें सब कुछ देता है, जो एक गरीब घर के अंदर पैदा हुआ, सब्जी बेचने वाले के घर में पैदा हुआ बच्चा 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो बिल्डर बनता है, आपके जलंधर के अंदर का यह उदाहरण है कि सब्जी बेचने वाले का बेटा 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना गया। बेटा ये शनि अच्छा होता है, और शनि जिसका अच्छा हो और जितना अच्छा होगा वो इंसान उतना ज्यादा डिप्लोमेटिक होगा, उसके अंदर उतना ही धैर्य होगा, उसके अंदर उतना ही अच्छापन होगा, क्योंकि यहां फिर शुक्र से मिलता जुलता सूत्र है इसके अंदर, क्योंकि शनि और शुक्र को लाल किताब मियां बीबी बोल देती है, ऐसे बोलती ना बेटा। तो अगर कहीं केतु आगे और राहु पीछे, यानी कि एक से लेके छठे घर तक अगर राहु है तो शनि कभी अच्छा फल नहीं देगा, शनि कभी अच्छा फल नहीं देगा। और अगर कहीं सातवें घर से लेके 12वें घर तक राहु है तो शनि सदा ही अच्छा फल देगा, शनि बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके बाद में अगर कहीं सातवें और दसवें घर के अंदर शुक्र के दुश्मन, शनि के दुश्मन एक ही बात है, ये बैठ गए तो शनि वहां आके खराब हो जाएगा। और अगर कहीं चंद्रमा, चंद्रमा आके 11वें घर के अंदर बैठ गया तो शनि खराब हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान की, जिसकी भी खराब शनि वह होता है बेटा, उसके अंदर दूसरों को माफ ना करने की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर एक अलग प्रकार की जेलस की भावना होती है, जिसके कारण वो सोचता ही दूसरों को रहता है, वो अपनी तरक्की कहां से लाए, अपने कामों के बारे में कहां से सोचे। अपने काम को अगर 25% सोचता है तो 75% अपने आसपास के माहौल के अंदर कौन तरक्की कर गया, किस वजह से कर गया, कौन से देवता को पूज के कर गया, किसकी सपोर्ट से कर गया, यही सोचते रहते हैं। इसीलिए बेटा किसी एक आदमी की शय के ऊपर कहीं अपने मोहल्ले के अंदर कोई एक जना नेता बन जाए ना, तो उसके पीछे खराब 20 शनि वाले लग जाते, ये हमें भी नेता बनाएगा, समझ गए। और इस दुनिया के अंदर ये जो रेशो है ना कि 20% सक्सेस पर्सन है और 80% फेलियर पर्सन है, जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, उसके पीछे रीजन शनि खराब है। शनि खराब अगर जन्म कुंडली में आ गया तो बेटा समझ लो सुखों की कमी कर गया। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो बहुत बेकार कुंडलियां जो घर का सत्यानाश कर देती हैं, वो क्या है कि राहु पहले और केतु आगे और शनि खराब होकर के भाग्य स्थान में 5वें स्थान में या धन स्थान के अंदर बैठ गया ना,
तो बेटा पूरे परिवार के सुखों को पी जाएगा, पूरे परिवार के सुखों को। बचपन में बाप मर जाता है ना, यही रीजन है। बचपन से बाप दादा के सुख चले जाते हैं, यही रीजन है। बाप दादा की जायदाद मिट्टी में मिल जाती है, यही रीजन है। और अगर कहीं शुभ होकर के शनि इन स्थानों पे बैठ गया ना, तो आदमी प्यार भी करेगा, चुपचाप मां बाप को मना भी लेगा, शादी भी कर लेगा, अपनी सारी मंशाएं बुरी से बुरी वाली भी पूरी करेगा, लेकिन सही साबित करके। ये शनि खास की पहचान होती है, शनि अच्छे की। अब उसके बाद में, अब शनि के लिए एक बात तुम्हें कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉ है और इसको इग्नोर कर दिया तो दिक्कत हो जाती है। और वो क्या है, शनि अकेला अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, फिर कोई सूत्र हो, चाहे केतु आगे हो या पीछे हो, शनि ऑलवेज अच्छा होगा। और कहीं शनि के साथ कोई भी ग्रह हो और अष्टम में बैठा हो, लॉ के हिसाब से वो कितना अच्छा बन रहा हो, वो बुरे के अलावा कोई दूसरा फल नहीं देगा। ये सबसे बड़ा सूत्र है, इसको ध्यान में रख लेना बेटा। और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी दादा ने मकान नहीं बना पाया, बेटा नहीं बना पाया, उसके बाद पोता नहीं बना पाया। कारण ये, तीनों की कुंडलियां उठा के देख लो, अगर एक का भी शनि अच्छा बनता लॉ के हिसाब से तो मकान जरूर बन जाता। वो इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि शनि हमेशा ही ऐसा रहा कि केतु ही केतु आगे रहा, राहु कभी आगे गया ही नहीं। समझ गए? अब तुम पूछोगे कि शनि के हाथ पांव हैं राहु और केतु, यही है ना, करने वाले तो वही हैं। और लाल किताब एक बहुत बड़ी बात बताती है बेटा कि बृहस्पति और राहु मिल जाए तो बुध बनता है, यही बताती है। और बुध और राहु मिल जाए तो बृहस्पति बनता है। अरे इतना तो सबने पढ़ लिया, इसकी गहराई में किसने जाना था? कैसे बनते हैं, क्यों होते हैं, क्या स्वभाव बन जाता है? इतना आसान नहीं है बेटा ज्योतिषी बनना कि किताब में पढ़ लो तो तुम ज्योतिषी बन गए। जब तक तुम्हें खोजने की, गहराई में जाने की आदत ही नहीं होगी, जो हमारे भांबी जी ने आज आपको अच्छी तरह से समझाया। अगर इतिहासकारों को पढ़ोगे तो सिर्फ एक टीचर बन के रह जाओगे, और अगर इतिहासकारों को झुठलाओगे तो साइंटिस्ट बन के जाओगे, साइंटिस्ट। ओके? तो बेटा साइंटिस्ट बनो, ज्योतिषी मत बनो। और हमारी जमात का यही एक रोना है कि सारे के सारे टीचर बनने को तैयार है, साइंटिस्ट बनने को कोई तैयार नहीं। तो आज के बाद साइंटिस्ट बनना है, ये लिखी हुई किताबों को फेल करना है, ये हमारे गुरुओं ने हमें मार्ग दिया है इसके ऊपर चलने का। अरे वो तो जहां तक चल सकते थे चल गए, क्या तुमने यहीं पे रहना है? तुमने इससे आगे नहीं जाना क्या? तुमने मॉडर्न जमाने के साथ मुकाबला नहीं करना क्या? तुमने अपने आप को उनसे सुपीरियर नहीं साबित करना क्या? तो अगर जाना है तो यहीं तक रहो, आकाश गंगा के अंदर क्या हो रहा है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्यों सूर्य ग्रहण लग रहा है, क्यों चंद्र ग्रहण लग रहा है, हमने बेसिक में सीख लिया भाई, अभी मत सीखो। एस्ट्रोनॉमिस्ट और बहुत है, नासा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहां कम से कम इस लायक तो बन जाओ कि हर इंसान के सुख और दुख को आप अच्छी तरह से निकाल के उसको कोई राय देने के काबिल बन जाओ, उसका जीवन अच्छा बनने के काबिल बन जाओ। ये करना जरूरी है कि नहीं है? तो बेटा पहले इस काबिल बनेंगे, जब हम अपने आप को साबित कर चुकेंगे ना, फिर हम चलेंगे खगोल खंगोलने और वहां जाकर के उनके लिए कोई और नए सूत्र जो हम कर पाए तो वो जरूर करेंगे, नहीं तो दुनिया कर ही रही है। कई गैलेक्सियां ढूंढ चुके हैं, कईयों के बारे में और कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे, लेकिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनना बेहद जरूरी है। तो शनि की बात कर रहे थे हम, शनि के हाथ और पांव हैं राहु और केतु। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छा, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छा, राहु को कहीं बैठा दो तुम्हारा बुरा करेगा ही नहीं, अष्टम भाव में बैठा दो।
बारहवीं में बैठा दो जहां जिद्दी बोला जाता है, पुलिस कोर्ट कचहरी बोलने वाला है, जहां मर्जी बैठा दो तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, समझे। लेकिन अगर कहीं बुध खराब है ना, तो राहु की सबसे उत्तम जगह उसका तीसरा और छठे घर में बैठा के देख लो, तुम्हारे हालत ऐसी खराब करेगा, पाई पाई के लिए तरसाएगा, अकल की कहीं चलने नहीं देगा, ना ससुराल का सुख मिले, ना औलाद का ढंग से सुख मिले, और बीमारियों को तो पूछो मत, कलेश और बीमारी पूरी पक्की, तीसरे घर में कंगाल कर देगा, छठे घर में अपनों में फंसा के मार देगा। तो बुध को जांचना कितना इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, समझ गए। और केतु, दरवेश, परमात्मा की वो अकल, केतु की ये थ्योरी आपने किसी ग्रंथ में किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी, दरवेश यानी कि एक भक्त, एक साधु, पीर कुछ भी लगाओ, जिसके आगे परमात्मा भी झुकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए मजबूर है। और यह किससे जीता जाता है, जिसके दिल में हर किसी के लिए प्यार हो, हर किसी को माफ करने की क्षमता हो, और दुश्मन भी द्वार पे आ जाए तो उसे पूछ कि यार ठीक है तू मेरे से दुश्मनी करता है, पहले मेरे को ये तो बता तू भूखा तो नहीं है, इतनी दूर से आया है, तू खाना खा ले फिर दुश्मनी निभा लियो, पंगा खत्म। इसे बोलते हैं पॉजिटिव केतु। और जिसका भी ये पॉजिटिव केतु होता है वो अपने दुश्मनों को भी माफ करने का हौसला रखता है। और जिसका खराब केतु होता है ना, वो सिवाय शिकायतों के और कुछ नहीं कहता, वो कहता मैंने 150 किताबें लिखी थी, इसने 25 किताबें लिखी, इसका नाम ज्यादा क्यों हो गया, मेरी 150 किताबों का क्यों नहीं हुआ। नहीं, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी ये सच्चाई है बेटा। और जिसका पॉजिटिव केतु होता है ना, उसने अपने घर पे 4 किताबें लिखी होती है, लेकिन बाहर जाके वो 100 किताबों का इनॉग्रेशन करके आता, लेकिन अपनी 4 नहीं पब्लिश करता, यार इसको तकलीफ होगा, पहले इसकी चल जाने दे, मैं जब टाइम होगा अपनी निकाल दूंगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। केतु पॉजिटिव यानी अपनी जिम्मेवारी स्वयं निर्धारित करके चलना, जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता उसके दुख को महसूस करके उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना, ये पॉजिटिव केतु की निशानी है बेटा। और पॉजिटिव केतु बनता कैसे है, अगर केतु का संबंध, केतु ऑलवेज अकेला अच्छा बेटा, केतु ऑलवेज अकेला अच्छा। दूसरे ग्रहों को अगर हम अब लेकर के चलने लगेंगे कि किसके साथ मिलके क्या करता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर तो बेटा पूरा दिन भी निकल जाएगा और ज्योतिष शास्त्र खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो केतु ऑलवेज अकेला अच्छा, और अपने किसी बहुत बढ़िया स्थान पे बैठा हो, जैसे कि 9वें में, 12वें में, ठीक है, या कर्म में अष्टम में ही आके बैठ जाए, जहां पर कर्म बहुत जबरदस्त देता है, अकेला हो तो ज्यादा अच्छा है। जब दूसरों के साथ बैठता है तो ये अपने गुणों के अंदर ना बड़ी हलचल महसूस करता है। अगर बुध और बृहस्पति दोनों अच्छे तो उससे बढ़िया केतु जिंदगी में कभी नहीं होगा, वो अकेला जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी बैठा हो, कहीं भी। तो केतु को तोलने का तरीका यह है, ठीक है। अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठ गया तो राहु और बुध अच्छे हो सकते पर केतु खराब हो सकता है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है बेटा, ये तो आप सबको अच्छा और बुरा बता दिया, लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े नाम वाले बंदे जैसे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों बन गए, अजय भांबी जी इतना बड़ा नाम कैसे कमा गए, अनिल वस जी या मेरे जैसा इंसान एक बहुत छोटे से घर से आकर के दुनिया के अंदर छा गया कैसे, या मेरे से भी बढ़ के और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत ही नॉर्मल से घर से उठे और कहीं कहीं दुनिया के अंदर छा गए बेटा, अपना नाम कर गए, चाहे किसी बिजनेस के अंदर, एक खास फील्ड के अंदर, कुछ भी, ये कैसे होता है। इसे बोलते हैं केमिकल लोचा। और ये कैसा होता है,
जब शुभ ग्रह होकर के अशुभ जुतियां, अशुभ दृष्टियां आपस में मिल रही हो ना, तो दुनिया के अंदर इंसान कुछ स्पेशल कर जाता है। क्योंकि एक कहते हैं ना, अपनी मंजिल को अगर पाना है तो तुम्हें पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। और अब्दुल कलाम जी क्या बोल के गए थे, कहते रात को सोते हुए मैं सपने नहीं देखता, रात को जाके मैं सपनों को पूरी करने की कोशिश करता हूं, रोज कोशिश करता हूं। तो ऐसे पागल होना बहुत जरूरी है, अपने काम को डेडिकेशन ऐसी देना बहुत जरूरी है। और यह होता कैसे है, जब ग्रह इन लॉ के हिसाब से शुभ हो लेकिन अशुभ जुतियों के अंदर आकर के बैठ जाए, जैसे बृहस्पति बुध के साथ में, बृहस्पति शुक्र के साथ में, ठीक है, मंगल वो जाकर बुध और शुक्र के साथ जुड़ जाए शुभ होने के बावजूद भी, ठीक है, ऐसे जो योग होते हैं बेटा, ये इंसान को बेहद स्पेशल अकल देते हैं और दुनिया से अलग काम करना, अलग जीना, अलग तरीके से करने और करवाने की अकल दे देते हैं। और कहते हर कामयाब इंसान दुनिया के अंदर वही काम करता है जो दुनिया कर रही है, लेकिन अलग तरीके से करता है, इससे ये साबित होता है बेटा। और इससे वो दुनिया के अंदर स्पेशल बन जाता है। आप सुब्रतो राय जी का ले लीजिए ना उदाहरण, कि क्या थे, एक स्कूटर के ऊपर स्वयं जाया करते थे कलेक्शन करने, आज सुब्रतो राय जी क्या हैं? तो बेटा उनके शुभ ग्रहों की अशुभ जुतियों ने उनको सहारा श्री बना दिया। तो ये है ज्योतिष।